Assalamualaikum, मैं हूं रमन, वेलकम टू माय चैनल। 30 डे स्किन केयर गाइड में आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है डार्क लिप्स एंड अपर लिप डार्कनिंग, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मसला आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने स्किन केयर गाइड में इस पर भी एक वीडियो जरूर होनी चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने दो काम करने हैं, एक तो ये कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और दूसरा ये कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कि 30 डे स्किन केयर गाइड में मैंने पहले जो वीडियोस बनाई हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट 30 डे स्किन केयर गाइड को विजिट करना मत भूलिएगा। और अब हम देख लेते हैं कि डार्क लिप्स के कुछ रीजंस क्या हैं। डार्क लिप्स का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जेनेटिक्स, अगर आपके घर में सबके लिप्स ब्लैक हैं या आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स या आपके बहन भाइयों के लिप्स ब्लैक हैं तो चांसेस हैं कि आपके भी होंगे। उसके अलावा डिहाइड्रेशन एक और रीजन है। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप गरम गरम चाय कॉफी पीते हैं तो भी आपके लिप्स डार्क हो जाते हैं। उसके अलावा वो लोग जिनको लिप्स बाइटिंग या लिप्स लिकिंग की आदत होती है उनके लिप्स भी डार्क होते हैं। सस्ती लिपस्टिक लगाने से भी आपके लिप्स डार्क हो जाते हैं, क्योंकि सस्ती लिपस्टिक्स में बहुत से केमिकल्स होते हैं जो आपके लिप्स के कलर को खराब करते हैं। अगर आप किसी भी किस्म की मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स पर हैं जिसके साइड इफेक्ट्स में लिप्स डार्कनिंग है तो भी आपके लिप्स डार्क हो जाते हैं। फिर जिन लोगों को हार्मोनल इश्यू है उनके भी लिप्स डार्क अक्सर हो जाते हैं। और अगर आप सनस्क्रीन के बगैर धूप में जाते हैं तो ये भी एक रीजन होता है आपके लिप्स डार्क होने का। अब लिप्स डार्कनिंग के रीजन तो देख लिए, कुछ लोगों के अपर लिप्स का एरिया भी डार्क होता है तो उसके रीजन है सबसे पहले तो आ जाते हैं मिलाज्मा, क्योंकि जब आपके लिप्स पर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो उससे भी आपका लिप्स और लिप्स के अराउंड एरिया डार्क हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग देखा गया है कि जब वो हेयर रिमूवल मेथड जैसे कि शेविंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग करते हैं तो उनको अक्सर शिकायत होती है कि हमारे लिप्स डार्क हो गए हैं या हमारी स्किन डार्क हो जाती है। तो आपको लगता है कि हेयर रिमूवल मेथड की वजह से इस तरह हुआ है, तो मैं तो आपको ये कहूंगी कि आप सबसे पहले उस हेयर रिमूवल मेथड को चेंज करें। अगर हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो उसमें आ जाता है स्किन पीलिंग करवा सकते हैं, उसके अलावा आप लेजर ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सन ब्लॉक जरूर लगाएं। आप ये मत समझे कि मैं बाकी फेस पर लगा लूं, लिप्स पे लगाने की जरूरत नहीं। आप पूरे फेस के साथ साथ लिप्स पर भी सन ब्लॉक जरूर लगाएं। और उसके अलावा एक लिप बाम है, आप उसको जरूर लगाएं, क्योंकि वो हर जगह से मिल जाती है, बहुत ही फेमस ब्रांड है और उसका नाम है Maybelline Baby Lips Lip Balm। ये आपके डार्क लिप्स के लिए बहुत अच्छी है, किसी भी एज ग्रुप का इसको लगा सकते हैं। इसमें ऑलरेडी सनस्क्रीन भी होता है जो कि आपके लिप्स को किसी भी किस्म की डार्कनिंग से बचाता है। और उसके अलावा जिन लोगों को अगर अपने लिप्स को थोड़ा सा कलर देना है तो इसमें लिप टिंट भी होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ DIYs। तो DIYs में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो लोग जिनको अपर लिप्स डार्कनिंग का इश्यू होता है। तो अपर लिप डार्कनिंग के लिए अगर तो किसी किस्म के हेयर रिमूवल की वजह से आपके अपर लिप डार्कन है तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उसको चेंज करके देखें, उससे आई एम श्योर के फर्क पड़ेगा। और उसके अलावा जो आप एक DIY यूज कर सकते हैं वो है 1 टेबल स्पून हनी, 3 से 4 चुटकी हल्दी और 1 टेबल स्पून मलाई। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और सुबह शाम आपने अपने अपर लिप्स एरिया पर इसको लगाना है 20 से 30 मिनट के लिए। उसके बाद आप रेगुलर पानी से अपने मुंह को धो लें एंड दैट इज इट। लेकिन अगर आप ये तीनों चीजें नहीं भी लगा सकते तो जो सबसे बेस्ट है वो है दूध की मलाई, क्रीम भी जिसे कहते हैं, उसको आप अपने अपर लिप एरिया पर और अपने लिप्स पर लगा के रात को सो जाएं। धोने की जरूरत नहीं, रिमूव करने की जरूरत नहीं, बस लगाएं और सो जाएं। आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपका डार्कनिंग का इश्यू सॉल्व होने लगेगा। अब हम डार्क लिप्स के लिए देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपने जो आपका टूथब्रश होता है, कोई भी पुराना टूथब्रश हो या जब भी आप ब्रश करें तो अपने ब्रश से आप अपने लिप्स को 1 से 2 मिनट के लिए स्क्रबिंग जरूर करें, और बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है, यूं करके नहीं करना। और उसके अलावा आपने जो घर में बाम बनानी है उसके लिए आप लेंगे 1 टेबल स्पून एलमंड ऑयल और 1 टेबल स्पून चुकंदर का जूस। सर्दियां आ गई हैं तो चुकंदर भी मार्केट में आ गया होगा। इन दोनों चीजों को आप मिक्स कर लें और इसे किसी भी बॉटल में, किसी भी जार में डाल के आप रख लें, और जब आपका दिल चाहे आप इसे लगा सकते हैं। दिन में बेशक आप जितनी भी दफा लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं। यह आप ट्राई जरूर कीजिएगा, आप देखेंगे कि आपके लिप्स डार्कनिंग का इशू तो दूर होगा ही, उसके साथ ही आपके लिप्स बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। एक और चीज है ग्लिसरीन, उसको आप कॉटन पैड की मदद से अपने लिप्स पे अप्लाई कर लें। अगर पिगमेंटेशन की वजह से आपके लिप्स डार्क हुए हैं तो आपके लिप्स बहुत जल्दी अपने नॉर्मल कलर पर आ जाएंगे। और लास्टली लिपस्टिक आप हमेशा अच्छे ब्रांड्स के इस्तेमाल करें, सस्ते के चक्कर में आप अपना कबाड़ा मत कीजिएगा, अच्छे ब्रांड्स के इस्तेमाल करें। और रात को सोने से पहले अपना मेकअप इंक्लूडिंग योर लिपस्टिक जरूर रिमूव करके सोएं।
ये जो सारे मैंने आपको टिप्स बताए हैं ये हर एज ग्रुप के लिए हैं, चाहे आप टीन्स में हैं, थर्टीज में हैं, फोर्टीज में हैं, ट्वेंटीज में हैं, कोई भी एज ग्रुप का मेल और फीमेल कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।